ये ब्लॉसम स्कूल में हम लोग जब स्टार्टिंग में आए थे एडमिशन के टाइम पे, तो इनकी फीस बहुत ही रिजनेबल थी, तो सभी पेरेंट्स को लगा कि एक CBSE स्कूल है और रिजनेबल फीस है, तो हम लोग ने उस हिसाब से यहाँ पे एडमिशन लिया था। और उस टाइम सर का भी बिहेवियर बहुत अच्छा था, उन्होंने भी बहुत अच्छे से एक तरीके से समझाया था कि हम लोग स्विमिंग पूल का जो चार्जेस है, बाकी अदर एक्टिविटीज़ है, वो सभी इसमें इंक्लूड रहेंगी। बट नेक्स्ट ईयर ही सर ने, जब कोरोना ख़त्म हुआ और रेगुलर स्कूल स्टार्ट हुई, तो सर ने तुरंत ही उन्होंने 3,000 रुपये बढ़ा दिए स्विमिंग के अलग से। तब भी हमने कुछ पेरेंट्स ने आके बोला उनको कि ये सर ये ऐसा क्यों कर रहा, तो सर ने बोला कि इसका मेंटेनेंस बढ़ गया है और हमको पुराता नहीं है, तो उस टाइप से हमको अलग से लेना पड़ रहा है। तो उस टाइम मैंने अपने बच्चे को एडमिशन नहीं दिलवाया स्विमिंग में, क्योंकि मुझे लगता था कि ये ज़्यादा हो रहा है, एक्स्ट्रा पैसा देना नहीं मुझे लग रहा था। तो ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं जिनको दिक्कतें हो रही थी, और बाकी भी बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ हैं, जो उन्होंने बोली थी कि सभी इंक्लूड रहेगा। हमने जो मांग रखी थी इनके सामने में, वो मांग मानने को तैयार नहीं है। हमारा बच्चा फर्स्ट से यहाँ पढ़ रहा है, हमको जो आश्वासन दिए थे कि आपके बच्चे के सब एक्टिविटीज़ अगर उसमें होंगी, वो सब कुछ हो नहीं रही हैं, सब अलग से करवाना पड़ रहा है हमको उसके लिए। और हम नहीं चाहते कि हम आगे फीस बढ़ाए, क्योंकि हमारे उतनी कैपेसिटी नहीं कि हम दे सके करके, एक बच्चा रहे तो बात अलग है, दो दो तीन तीन बच्चे पढ़ाना पड़ रहा है हमको। हाँ, तो हम चाहते कि जो आपने कमिटमेंट करे थे पहले, वही कमिटमेंट कायम रहे। 10% के ऊपर हम ज़्यादा दे नहीं सकते, अब जो आप बता रहे हैं वो हम नहीं ये कर सकते। और जब हम जो आंदोलन करने वाले हैं, हम वो आंदोलन के ऊपर तैयार है करने के लिए। अगर आप लोग मानोगे तो ठीक, नहीं तो हमको आंदोलन करने के लिए तैयार है। विषय ऐसा है कि पूर्व नागपुर में इस पवन गांव स्थित ब्लॉसम स्कूल में पिछले दिनों से ये जो हमारा पालकों को लेकर जो एक आक्रोश है, कि अचानक जो है ब्लॉसम स्कूल के संचालक ने जो है नवीन नए सत्र के लिए जो है फीस की है, जिसको लेकर अभी पालकों में एक थोड़ा सा आर्थिक चिंता का विषय उत्पन्न हुआ है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये कोरोना के बाद जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई है कि सामान्य जो नागरिक है वो परेशान है, और इस स्कूल में पढ़ाने वाले सभी पालक सामान्य वर्ग से आते हैं, तो अचानक 30% वृद्धि जो है वो कहीं ना कहीं इनके के ऊपर जो है अन्यायकारक नीति स्कूल प्रबंधन ने यहाँ चलाई है, जिसका विरोध हम पिछले शुक्रवार से, यानी आज ये 8वां दिन है, हम स्कूल प्रबंधन से मिले और उनको बोला कि भाई ये जो आपकी जो नई फीस वृद्धि है, ये कहीं ना कहीं जो है अन्यायकारक है, इसको कम की जाए। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है पालकों के ऊपर जैसे 40,000 रुपये तक की फीस जो है ली जा रही है, पहले 28,000 थी, कभी अभी 38,000-42,000 रुपये तक जो है फीस का रेशो बढ़ चुका है, जिसका विरोध यहाँ के पालकों ने किया है। देखिए, प्रबंधक जो है अपना आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से जो है वो हमको जो है समय नहीं दे रहा है, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं जो है आर्थिक लाभ यहाँ छुपा हुआ है, जिसके लिए वो टस से मस नहीं हो रहा है। लेकिन जनता की आवाज़ और जनता की एकता के सामने, पालकों की एकता के सामने प्रबंधन को झुकना पड़ेगा। ये अड़ियल जो रवैया है वो नहीं चलेगा, यहाँ लोकशाही तरीके से ही काम करना पड़ेगा, और हम लोकशाही तरीके से काम करने वाले व्यक्ति के साथ है।